वेरी वेरी वेलकम कम बैक टू आर चैनल गाइज़। कैसे हो आप सब गाइज़? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। ये जो लुक है ये है इजी फेस्टिव मेकअप लुक, जिसको आप दिवाली पे, नवरात्रि पे, करवा चौथ पे एंड वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला, तो आप इसे किसी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हो। इस लुक को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो चलिए देखते हैं मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया हो। सो सबसे पहले मैं हम लगाएंगे ट्रेंजी का रोज़ वाटर। आप कोई भी दूसरा टोनर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज टोनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोनर लगाने से हमारे जितने भी पोर्स होते हैं वो सब मिनिमाइज़ हो जाते हैं, तो टोनर स्किप नहीं करना है, टोनर ज़रूर लगाना है। आप चाहो तो आप कोई रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो एंड इसको आपको डैब 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 करके लगाना है। सो टोनर लगाने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स एवोकाडो मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेस जो है ना हम फाउंडेशन का वो फटना नहीं चाहिए फाउंडेशन, इसलिए हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है। एंड मॉइस्चराइजिंग अगर आप ढंग से नहीं करो तो मेकअप ढंग से फाउंडेशन कंसीलर ठीक से ब्लेंड नहीं होगा। तो आप चाहो तो दूसरा मॉइस्चराइज़र आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, बट दिस मॉइस्चराइज़र इज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का विटामिन ई एंड विटामिन सी सीरम। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है एंड प्लस ये जो सीरम है ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, तो आप ये वाला सीरम भी ट्राई कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये वाला जो सीरम है ये काफ़ी ज़्यादा ना विटामिन सी है, तो आपकी स्किन पर थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग का भी काम कर देता है, तो मुझे ये वाला सीरम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहो तो ये वाला सीरम ट्राई कर सकते हैं, तो आप दूसरा सीरम भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आप यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम। लिप बाम लगाने का जो बेनिफिट है वो ये है कि जब हम लिपस्टिक लगाएंगे ना तो हमारे जो लिप्स वो फटे फटे नहीं लगेंगे एंड लिपस्टिक भी एकदम स्मूथ लगेगी। नेक्स्ट मैं आप यूज़ कर रही हूँ स्ट्रे कुर्की का ऑयल बेस्ड प्राइमर। ये जो प्राइमर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन के जितनी भी पोर्स होते हैं उनको छुपाता है एंड प्लस बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है एंड अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है आपकी स्किन पे एंड साइड साइड पोर्स को भी ये मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेबलिन का कंसीलर इन द शेड मीडियम। मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट शेड है ये कंसीलर का, ताकि थोड़ा सा हाईलाइटिंग का भी काम करे, तो आपको अच्छे से अपनी दूर डार्क स्पॉट्स जो हैं, डार्क सर्कल्स जो है, आपको जहाँ पे भी आपको लगता है कि ना मुझे कंसीलर की ज़रूरत है आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कीजिए एंड एक अच्छे से ब्रश के साथ इसको डैब 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 करके हमें ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंडिंग में आपका टाइम जो है कंज्यूम होगा, बट आपको जो कंसीलर है फाउंडेशन वो आपको ना डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है, आपको ना उसको ब्रश नहीं मारना है, मतलब जैसे हम मारते हैं ना कि हमें पेंट नहीं करना है, हमें ब्लेंड करना है, तो ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, बट कोई नहीं, ब्लेंडिंग ठीक से होगी ना तो एकदम मेकअप भी बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे से आपको कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है मेकअप एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंसीलर जो है हाई कवरेज देता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ये वाला कंसीलर, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेबलिन का फाउंडेशन इन द शेड 220। मेरा जो शेड है वो 220 है एंड आपका जो शेड हो उसके अकॉर्डिंग ही आप फाउंडेशन चूज़ कीजिए। फाउंडेशन के डॉट डॉट डॉट्स बना लूँगी मैं अपने फेस पे। आपको ज़्यादा फाउंडेशन पहले नहीं लेना है, अगर हम ज़्यादा फाउंडेशन ले लेते हैं तो वो ठीक से ब्लेंड नहीं हो पाता और थोड़ा सा ना वाइटिश टोन में आ जाता है फिर वो। अगर आपको नीड हो तो आप दोबारा भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन को। आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर वो ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्का सा वो वेट ही रहना चाहिए, तो बस अच्छे से हम इसको डैब 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 करके अपना जो फाउंडेशन है इसको ब्लेंड करेंगे एंड ब्लेंडिंग में अगेन टाइम कंज्यूम होता है, तो बस आपको अच्छे से मतलब हमेशा मैं कर रही हूँ ना ब्लेंडिंग ऐसे डैब 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 करके आपको करना है। अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा सा गीला होगा ना तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इजी और जल्दी भी हो जाता है, तो बस हमें फाउंडेशन को लगा लेंगे हम। एंड नेक एरिया पे भी आपको फाउंडेशन ज़रूर लगाना है, क्योंकि फिर ना नेक से आपके जो फेस का वो जो चेंज होता है ना कलर वो अच्छा नहीं लगता, तो नेक पे भी फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो हमने फाउंडेशन कंसीलर लगाया है इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे हिमालय का बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। डस्ट ऑफ कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है, सिर्फ सेट करना है जो हमने लगाया है उसको। तो डैप 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 करके हमें इस पाउडर से ही अपने दोबारा से हमने जो फाउंडेशन कंसीलर लगाया है इसको हमें सेट करना है, सिर्फ सेट करना है, रगड़ना नहीं है उसको, ठीक है ना। ईजी जल्दी हो जाता है ये। आप चाहो तो कोई दूसरा कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो भाई, मेरे पास कॉम्पैक्ट था बट मुझे
मुझे अच्छा नहीं लगता वो लगाना, तो मुझे लूज़ पाउडर लगाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये वाला पाउडर लगाती हूँ। एंड मेरे पास बहुत सारे पाउडर्स और लूज़ पाउडर्स हैं वैसे, बट मुझे ये अच्छा लगता है लगाना। लेंसेज मैंने ऑलरेडी अपने ऑफलाइन डाल दिए थे। डैम जो इस ब्यूटी ब्लेंडर से ना मैंने फाउंडेशन लगाया था उसी में मैंने थोड़ा सा पाउडर लेकर अपनी आईज़ को के नीचे थोड़ा सा बेक कर लिया है, ताकि चीक्स को थोड़ा सा मतलब चीक्स एरिया पे लगाया है, ताकि ना अच्छे से जो भी हम आई शेड वगैरह हो फॉल आउट ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की वाली पैलेट है, इसे मैंने अपने किसी वीडियो में तो आपको दिखाया था, इसका शॉट दे दूँगी मैं आपको बाद में। तो इसमें से मैंने वाइट शेड लिया एंड इसको मैं पूरी अपनी आइस पे लगा लूँगी, ताकि जो हम आई शेडो लगाएंगे ना वो एकदम खिल के आएगा, ठीक है। तो वाइट कलर आपको जब तक लगाते रहना है, इसको जब तक ब्लेंड करना है, जब तक आपको लगे ना कि आपकी आइज़ पे ना वाइट कलर आ चुका है, लाइक इस तरीके से। वेट एंड वाइल्ड की ब्रो पैलेट लूँगी मैं, और इसमें से मैं लूँगी वाला मीडियम वाला शेड जो कि ब्राउन है। इसको मैं क्रीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। एक पेंसिल ब्रश लीजिएगा, उससे आपको इस क्रीज़ को क्रिएट करना है। एंड देन आपको इसको करना क्या है, ब्लेंड। ब्लेंडिंग में अगेन टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे से ब्लेंड करोगे मेकअप को, उतना ही ज़्यादा मेकअप आपका अच्छा दिखेगा। तो एक अच्छे से फ्लफी ब्रश की हेल्प से हमें क्या करना है, ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। तो ब्लेंड करते टाइम करते आपका जो क्रीज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके दूसरी पैलेट में से मेकअप रेवोल्यूशन की हम ब्राउन शेड लेंगे एंड इसको अपने क्रीज एरिया पे ही हम लगाएंगे। पूरी आई पे नहीं लगाना है, कहीं नहीं लगाना, सिर्फ क्रीज एरिया पे ही लगाना है हमें कुछ इस तरीके से, एंड ब्लेंड करना है। इसको हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही लगाना है। इसी पैलेट में से हम लेंगे गोल्डन शेड एंड इसको लगाएंगे हम अपने लिड पर। ये जो गोल्डन शेड था ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वाला शेड था, मेरे को बड़े पसंद आया ये, एंड ऑलमोस्ट मुझे ये वाली पैलेट ही पसंद आई है, तो शेड की तो बात ही छोड़ देते हैं। तो इसको हम अपनी पूरी लिड पर लगाएंगे, अपने क्रीज तक हमें इसको लेकर नहीं जाना है, अपनी लिड पर ही लगाना है। तो इसको लगाते टाइम आपको थोड़ा सा टाइम और जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको लगाने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको इसे ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको फिंगर से लगाऊंगा ना तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जम रहा है, तो कोई नहीं, इसको ब्लेंड करते टाइम अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ये। एंड इसको ना आपको ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हिरोडा का ये वाला पैलेट, इसमें से मैं लूँगी डार्क ग्रीन शेड एंड इसको हम अपने लोअर लैश लाइन पे स्मज करेंगे। एंड स्मजिंग के लिए जो आपको ब्रश चाहिए ना, आपको छोटा और पतला वाला ब्रश लेना है, ज़्यादा बड़े ब्रश से करोगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छे से आपको स्मज करना है ये, क्योंकि हम इसमें लाइनर नहीं लगा रहे हैं, तो बस हमें कुछ इस तरीके से अपनी आई मेकअप करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम स्मज कर लेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से लगेगी आपकी आई। मुझे थोड़ा सा कुछ इधर से उधर लगा, तो मैं फिर से स्मज कर लिया। नेक्स्ट मैं ये वेट एंड वाइट की पैलेट में से डार्क कॉफ़ी कलर लिया है मैंने, एंड इससे मैं अपनी ब्रोज़ को फिल कर लूँगी। ब्रोज़ को फिल करने में तो भाई मुझे इतना टाइम लगा, बता नहीं सकती, क्योंकि एक तो मेरी ब्रोज़ जो है वो बनी हुई नहीं थी, दूसरी मैं इस जो मेरी मॉम के अकॉर्डिंग अभी डेज ठीक नहीं है, तो मैं अभी बनवा भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे ऐसे ही काम चलाना था, ठीक है। तो आपको अच्छे से अपनी ब्रोज़ को फिल करना है। तो इस और ऊपर से ना मेरे पास पोली भी थी, वो मेरी खो गई, दूसरी वाली भी खो गई मेरी। अब हम यूज़ करेंगे वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर, शिमर ग्लिटर है ये, इन द शेड कॉपर कलर का ये। तो इसको मैं अपने लिड पे लगाएंगे हम, जी हाँ। इसको भी हमें लगाने में प्रेसिंग ग्लिटर है ना, तो इसको प्रेस करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बट आप इसको ब्रश की हेल्प से नहीं लगा सकते हो, पूरी की पूरी जो मेकअप जो मेहनत है वो बर्बाद अगर आपने इसको ब्रश से लगा लिया। तो कॉन्टोर करेंगे, कॉन्टोर के मैंने यहाँ पर शुगर का ब्लश कॉन्टोर पैलेट लिया है, तो इसमें से हम ये कॉन्टोरिंग करेंगे। कॉन्टोरिंग करने से क्या होता है, आपका जो फेस है ना वो एकदम पतला हो जाता है, तो मैं इसको अपने चीक्स पे और अपनी ये चिन एरिया पे कॉन्टोर करूँगी, मतलब ऑलमोस्ट पूरे फेस पे ही करूँगी, और आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ। तो मैं तो इतनी चिन एरिया जो डबल चिन है ना वो सिंगल चिन में बदल जाती है कॉन्टोर करने से, फोरहेड छोटा दिखता है, नोज़ पतली दिखती है, बस कॉन्टोरिंग का यही फ़ायदा होता है। एंड इसका जो बेनिफिट है ना कॉन्टोरिंग का, वो ये है कि आपको जो फेस है वो कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन वो दिखता पतला ही है। तो मैं इसको अपने फोरहेड को पतला करने में लगी पड़ी हूँ, यहाँ पे चीक्स को कॉन्टोर करेंगे, फोरहेड को कॉन्टोर करेंगे, नोज़ को कॉन्टोर करेंगे हम। एंड अगर आपको कॉन्टोरिंग वाला पार्ट ठीक से समझ में नहीं आया हो, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, लेकिन आपको इसके लिए आपको करना क्या, आपको कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अभी मैं कर रही हूँ अपनी नोज़ को कॉन्टोर। नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया है, क्योंकि ज़्यादा बड़े ब्रश से अगर हम कॉन्टोरिंग करते हैं ना तो इधर उधर हो जाता है,
तो इसे अच्छे से हम लगा लेंगे। एंड मेकअप में सिर्फ एक ही काम होता है ब्लेंडिंग का, क्योंकि जितने अच्छे से हम अपने मेकअप को ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा जो है मेकअप खिल के निकलेगा। तो अच्छे ब्रश से, यानी कि पतले ब्रश से और एक अच्छे ब्रश की नीड से हम कॉन्टोरिंग करेंगे। एंड प्लस आपके जो मेकअप ब्रशेज हैं, आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर है, ये एकदम क्लीन होने चाहिए। एंड सेकेंडली, ये अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। एंड शिवाना का ब्लश पैलेट में से मैंने ये फर्स्ट शेड लेके अप्लाई किया है अपने चीक्स पे। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है वाला ब्लश। एंड सेकेंड वाला ब्लश पैलेट में, सेम पैलेट में से मैंने सेकेंड वाला ब्लश भी लिया है। एंड इसको भी मैंने इसके ऊपर ही ट्राई किया है। एंड थोड़ा सा मैंने अपनी नोज़ की टिप पे भी लगा लिया था। वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं। एंड इसे मैं अपने चीक एरिया पे एंड अपने फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन एरिया, क्यूपिड ब्रो, सब जगह मतलब हाइलाइटिंग करनी है हमें। हाइलाइटर का जो काम होता है वो आपको ग्लो प्रोवाइड करना। एंड ये वाला जो हाइलाइटर है ये अफोर्डेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। एंड अगर आप चाहो तो आप मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें जो मेरा शेड है, आई थिंक मेरा गोल्डन शेड है। तो यू अगर आपको पसंद आता है कोई अफोर्डेबल हाइलाइटर आप ढूंढ रहे हो, तो आप ये वाला हाइलाइटर ट्राई कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा हमें ग्लो मिल रहा है। तो आप ज़रूर ये वाला हाइलाइटर ट्राई करना। एंड हाइलाइटर में ज़्यादा भी नहीं लगाना है और थोड़ा कम भी नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो मिल रहा है हमें हाइलाइटर से। मुझे बड़े पसंद आता है हाइलाइटर करना। तो इसके बाद मैं अपने ब्रो बोन्स को हाइलाइट करूँगी। एंड हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पे हमें एक पतले ब्रश की हेल्प की नीड होगी। आप ज़्यादा बड़ा ब्रश यूज़ मत कीजिएगा। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मस्कारा। मस्कारा जो है वो मेबेलिन का है एंड ये मेरा फेवरेट वाला मस्कारा है। एंड इसके हमें अपने लोअर लैश लाइन पे एंड अपने अपर लैश लाइन पे हमें इसको कर्ल करते हुए लेकर जाना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कर्ल चाहिए हमारे लैशेस पे। तो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास आई लैश कर्लर नहीं था, क्या करूँ मैं यार, मेरे पास आई लैश कर्लर नहीं था, तो मुझे मस्कारे से ही अपने लैशेस को कर्ल करना पड़ा, जिसके मैंने 2 से 3 से 4 कोट ले लिए होंगे। एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे एसक्यू का आलावी 2 काजल इन द शेड ब्लैक। तो पहले मैंने वाइट काजल यूज़ करके देखा, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कि हमने काजल भी लगा रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि ना मुझे ब्लैक काजल ट्राई करना चाहिए। एंड इस मतलब मुझे बड़ा ही प्यार हो गया था अपनी आँखों से, इतना सुंदर लग रहा था ना ये। तो मैंने यहाँ पे काजल लिया है। एंड ये वाला जो काजल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आप ट्राई कर सकते हो। लिपस्टिक लगा रहे हैं हम। लिपस्टिक के लिए हमें जरी तिगड़म लगाई मैंने, नायका का ये वाला लिपस्टिक लगा रही हूँ। शेड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी इसके शेड्स वगैरह। तो पहले मैंने पिंक शेड लिया एंड इसको हम अच्छे से लगा लेंगे, लाइक क्योंकि लिपस्टिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, रेड शेड में लगाना नहीं चाहती थी। एंड न्यूड मुझे इस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपना शेड बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने वाला शेड लिया है पिंक कलर का शेड। एंड ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है ना अभी, बट डोंट वरी अभी ठीक हो जाएगा। एंड माय वे का लिप क्रॉन ले रही हूँ मैं। एंड इसमें जो मेरा शेड है वो न्यूड है एंड उसका भी शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको आपको अच्छे से लगाना है। इसको लगाने में आपको कम से कम 1 से 2 मिनट लगेंगी, क्योंकि ये वाला जो शेड है ना आपकी इस लिपस्टिक के ऊपर आना चाहिए। लिप क्रियन को हम लिपस्टिक के ऊपर लगाने तो थोड़ा डिफिकल्ट है इसको लगाने में, बट इसके बाद जो कलर आएगा ना आपकी लिपस्टिक का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरा ये वाला जो मैंने जो लिपस्टिक बनाया नहीं वाला, मैंने मिक्स मैच किया है। उसके बाद एक कॉटन का हैंकी आपको अपने लिप्स पे डैप 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 करना कुछ इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से इसको डैप डैप करेंगे, जो एक्स्ट्रा लिपस्टिक हमने लगाया वो निकल जाएगा, प्लस आपकी जो लिपस्टिक है वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले जो हमने लिपस्टिक यूज़ किया था नायका का, वो लिपस्टिक जो है वो तो उसे क्रीमी था। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। अपने हेयर्स को मैंने ओपन कर लिया, क्योंकि अब हम जाएंगे स्ट्रेट करने। पहले मैंने अपने हेयर्स को कोम्ब कर लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोम्ब नहीं किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी सीरम, क्योंकि स्ट्रेटनिंग से पहले हम सीरम ज़रूर लगाना है हमें। तो हैंड को अवॉइड कर देना, मैंने सारे लिपस्टिक का शेड मिक्स मैच करके देखा था। उसके बाद मैंने सीरम ना यार मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया था, बट कोई बात नहीं, स्ट्रेटनिंग के टाइम पे सीरम चल जाता है। तो आप सीरम ज़रूर लगाओ, क्योंकि तो सीरम लगाने से हमारे जो हेयर्स है वो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। सो अच्छे से मस्त मैंने लगा लिया। उसके बाद अब हम जाएंगे डायरेक्ट अपने हेयर्स को कर्ल करने। कोम में यहाँ पर इसलिए करी क्योंकि स्ट्रेटनिंग के टाइम पर ना बाल थोड़े बहुत टूटे ना, एंड उसके बाद हमने हेयर्स को
स्ट्रेटनिंग के लिए जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया एंड प्लस मैंने लैशेस भी ऑफलाइन लगा लिए हैं। इस लुक को कंप्लीट करेंगे हम एक छोटी सी बिंदी के साथ, क्योंकि बिंदी के बिना ना तो हमारा फेस्टिव मेकअप कंप्लीट हो सकता है, ना ही कोई वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कंप्लीट हो सकता है। रेड बिंदी मैं लगाना नहीं चाहती थी और ब्लैक मुझे लगाना नहीं था, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का बिंदी लगाया है। ये वाली झुमकी पहनूंगी मैं, और झुमकी को पहनने से पहले जो हम झुमकी पहनते हैं ना तो थोड़ा सा कान में दर्द होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सीरम ले लीजिए या फिर आप थोड़ा सा प्राइमर ले लीजिए, अपनी ईयरिंग के टिप पे लगाइए एंड अपनी ईयरिंग्स पे लगाइए थोड़ा सा एंड उसको डाल लीजिए, तो ईजी तरीके से आपके कान में चला जाता है वो। नहीं तो ईयरिंग्स को पहनने का मतलब है तो लॉट्स ऑफ दर्द, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है एंड प्लस इनको टिकाए रहना तो बड़ा ही मुश्किल है। मेरा ईयरिंग गिर भी गया था वो छत पे जब मैं ऊपर गई थी। उसके बाद इस मेकअप को करने के बाद 2-3 घंटे मैं ऐसी ही रही थी, उसके बाद मैंने ज्वेलरी वगैरह पहना था। रियलिटी बता रही हूँ मैं, मेकअप को कुछ नहीं हुआ। मेकअप फिक्सर आप ज़रूर लगाइएगा, मैंने जो मेकअप फिक्सर लगाया था उसमें ऐड नहीं हुआ। मैंने फेसेस कैनेडा का फिक्सर यूज़ किया था, जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। अभी हम नोज़ पेंट पहनेंगे। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था नोज़ पेंट के बाद, आज से पहले मतलब मैंने कभी नोज़ पेंट नहीं पहनी थी, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी वाली नोज़ पेंट जो आप देख सकते हो। थोड़े से 2-4 बाल मैं अपने बाहर निकालूंगी, क्योंकि 2-4 बाल जब तक तो बाहर नहीं निकलेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, तो मतलब ये सबको ही पसंद है करना। उसके बाद ये जो बैंगल्स हैं ये मीशो की हैं, ईयरिंग्स मीशो के हैं, सारी ज्वेलरीज के कोड्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक नोज पिन ईयरिंग्स बैंगल्स रिंग जो कुछ मैंने यहाँ पे पहना है वो सब मीशो का है। सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइज इस लुक को कंप्लीट किया है मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ। ये वाला जो लुक है मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी टू क्रिएट वाला लुक है ये, एंड इसमें मैंने लाइनर यूज़ नहीं किया है। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना हो पाओ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।